तो भाई ये मर्दान का लोबिया है जो भाई अभी लगा रहे हैं भाई, जहाँ पर ये बोटे मिल रहे हैं और चपली कबाब और कलेजी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसे हैं भाई? खैरियत से भाई? क्या हिसाब है पुलाव? पुलाव 100-150। अस्सलाम वालेकुम भाई। 400 तक का मोटा चावल के साथ ही बिल्कुल एक कलेजी वाला भी बैठा हुआ है जो कि दिन के टाइम पे फुल मॉल लगा के बैठा। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये भाई को बोला हमने एक प्लेट तैयार करें, बेहतरीन सी भाई एक प्लेट लगाओ। लो भाई, चेक कर सकते हैं बीफ की ये रेशे आ रहे हैं। तो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुबेश मलिक अमान। इस टाइम पे हम खड़े में हैं मेन बनारस। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बनारस की लोकल फूड स्ट्रीट। तो अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल, क्या माहौल चल रहा है। इस टाइम पे 2 बज रहे हैं और आपका भाई निकल आया बनारस की सड़कों पे। तो इंशाल्लाह ताला आज आपको पूरा बनारस एक्सप्लोर करके दिखाते हैं, तो आए मेरे साथ। वेलकम टू बनारस। जगह है जहाँ पर मोटा चावल के नाम से एक चीज़ मिलती है, बड़ा डिफरेंट चीज़ है मोटा चावल भाई, 400 का मोटा चावल ग्रीन चटनी के साथ। भाई ये कहाँ का चावल होता है जी? भाई कहाँ का चावल है ये? चावल और क्या क्या मिक्स होता है? गोश्त मोटा चावल मिक्स होता है। अच्छा भाई, गोश्त और मोटा चावल मिक्स होता है। 80 रुपए की प्लेट है ये? प्लेट नहीं तो भाई आई इनको एक प्लेट बोलते हैं। ये हमने मंगा लिए चावल, इस पर चटनी डालते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या सीन है, क्या टेस्ट है। ज़बरदस्त भाई। जी उवैस भाई, क्या खा रहे हैं आप? मसाला भी डालते हैं भाई, चेक करते हैं। 400 का भाई मोटा चावल है कोई बनारस में, चेक करते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान, मेरे ख्याल से दाल वगैरह कुछ डली भी है। चेक कर सकते हैं बीफ की ये रेशे आ रहे हैं। तो ये कुछ खिचड़ी की तरह है, उसी की तो फैमिली से है ये, लेकिन टेस्ट अच्छा है, ज़बरदस्त टेस्ट है भाई। बनारस की जो क्लास है ना, वो क्लास की अलग है। यहाँ पर आपको थोड़े से प्राइस में, लिमिटेड प्राइस में एक अच्छी चीज़ मिल सकती है खाने के लिए, पेट भर के आप खा सकते हैं, बेहतरीन हो गया। ले पार्सल ले। चार सौ तक का मोटा चावल के साथ ही बिल्कुल एक कलेजी वाला भी बैठा हुआ है जो कि दिन के टाइम पे फुल मॉल लगा के बैठा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? खैरियत से भाई? क्या रुपए प्लेट है? 50-100 रुपए की। ये बड़े की कलेजी होती है? चिकन की कलेजी है। ज़बरदस्त भाई। ओहो, तो भाई चिकन की कलेजी मिल रही है 50 रुपए प्लेट में सिर्फ, और पीछे लोग बैठे हुए खा रहे हैं माशाल्लाह। बनारस में तो भाई माशाल्लाह खाने पीने की चीज़ें दिन से स्टार्ट हो जाती हैं और फुल मॉल लगा हुआ था, और इस टाइम पे मेरे ख्याल से 2 बज रहे हैं। और सीन देखें, तो भाई देखते हैं आगे चल के और देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। युवेश भाई, कहाँ पर आए आप? भाई हम इस टाइम पे खड़े हुए हैं मर्दान के मशहूर लोबिया वाले के पास, जो कि बनारस में वाकई है, एक छोटी सी फूड स्ट्रीट है। तो इससे लोबिया ऑर्डर किया है, अभी खाते हैं, देखते हैं कि टेस्ट। भाई ये मर्दान का लोबिया है जो भाई अभी लगा रहे हैं। भाई लगाओ, लाल लोबिया है ना ये? लाल लोबिया। मिर्ची डालें? डालें, मिर्ची है वगैरह। और ये ग्रीन चटनी आ गई और ये दही आ गया इसमें। तो भाई ये हमारी प्लेट आ गई है गर्मा गर्म। ओए होए होए, ये 30 रुपए का प्लेट है मर्दान का लोबिया। हमारा
आ गया है, इसमें लोबिया है, सलाद है, चटनी है और थोड़े स्पाइसेस हैं। तो अभी खाते हैं, चेक करते हैं कि क्या सीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट है सारा, जो हॉट फ्लेवर है ना वो लोबिया का है, रेड लोबिया का, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। भाई बेहतरीन चीज़ है सुबह के नाश्ते के लिए और खाने के लिए, लोग यहाँ पर बैठ के रोटी के साथ भी खा रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है और रीजनेबल प्राइस में बहुत आला। भाई ये इनका एक डाइनिंग एरिया है छोटा सा, जहाँ पर लोग बैठते हैं और ये लाल लोबिया रोटी के साथ और बैठ के खाते हैं। बहुत ही मुनासिब प्राइस है, 30 रुपये की एक छोटी प्लेट है और माशाल्लाह उसके साथ आप 2 रोटियां आराम से खा सकते हैं। तो बेहतरीन मॉल लगा हुआ है बनारस पे। अभी आपको और चीज़ें दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। स्टॉल है जो यही लोबिया और चना बेच रहा है, माशाल्लाह यहाँ पर लोग बड़े शौक से खाते हैं ये चीज़, तो बड़ा मज़ा आया खा के, बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पर ये बोटे मिल रहे हैं और चपली कबाब और कलेजी है दिन के टाइम पे, माशाल्लाह बड़ा टाइट मॉल है, बड़ी प्यारी फूड स्ट्रीट है एक छोटी सी बनारस की। तो अभी देखते हैं और आगे क्या क्या मिलता है हमें। वली चपली कबाब रेस्टोरेंट है, माशाल्लाह बड़ा टाइट मॉल लगा हुआ है और भाई पुलाव और ज़र्दा दे रहे हैं, चेक करते हैं इनके पास ये क्या सीन है। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? कैसे हैं भाई, खैरियत से भाई? क्या हिसाब है पुलाव? पुलाव 100-150। 100-150 बीफ पुलाव है? जी जी बीफ पुलाव है। अच्छा, दंदा दंदा जी। पाव के हिसाब से देते हैं ये किलो, प्लेट का हिसाब है? तो भाई इनके पास ये बीफ पुलाव है जो इस अंदाज में देते हैं भाई। और ये और क्या क्या, चपली कबाब वगैरह भी है? चपली कबाब है और ये जर्रा चावल है, सालन वगैरह है। अच्छा, तो ये बाहर लोग बैठे हैं खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या हिसाब दे रहे हो चपली कबाब? पाव 160 रुपये। और अंडे वाला? अच्छा, अंडा सब में। और वो नली वाला भी होता है, उसके क्या प्राइस है? 250 रुपये पाव के। तो भाई 250 रुपये का एक पाव कबाब है नली वाला और इसमें ये अंडे वाला भी है। ज़बरदस्त भाई, फुल मॉल लगा हुआ है यहाँ पर। चपली कबाब मिल रहे हैं एक साइड पे, ये पुलाव वाला और जर्दे वाला बैठा हुआ है। तो भाई बड़ा बेहतरीन मॉल है, चलते हैं आगे देखते हैं और क्या क्या हमारे को मिलता है। तो आज बनारस इंशाल्लाह ताला पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई ये जो है बनारस की कबाड़िया मार्केट है, जहाँ पर कबाड़ का सामान मिलता है बेतहाशा, बेहतरीन टूल्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, सिलेंडर, माशाल्लाह बच्चों की साइकिल वगैरह भी बेतहाशा अनलिमिटेड स्टॉक है यहाँ पर, हर चीज़ आपको अवेलेबल। स्पीकर्स वगैरह भी पड़े हुए हैं माशाल्लाह, मुझे बच्चों की साइकिल का स्टॉक बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और काफ़ी सारी साइकिलें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, एक से एक साइकिल है यहाँ पर। तो आपको अगर सेकेंड हैंड साइकिल चाहिए अपने किसी बच्चे के लिए या गिफ्ट करने के लिए, तो बेहतरीन साइकिलें यहाँ पर खड़ी हुई हैं भाई, यहाँ से आके आप बाई कर सकते हैं और मुनासिब प्राइस, ज़बरदस्त भाई। तो भाई यहाँ पर नली बिरयानी, स्टैंडर्ड नली बिरयानी पे हम पहुँच चुके हैं अभी। तो फिर यहाँ पर इनकी भी बिरयानी चेक करते हैं कि क्या सीन है बिरयानी का। तो अभी देखते हैं ये क्या है। पाया, पाया दिखाओ। परोटा। ओए ओए ओए, फुल बेहतरीन भाई पाया। ये नली है भाई, दूसरा वाला दिखाओ भाई, दूसरा वाला दिखा दो नली। हम ड्रीम ड्रीम सही है, बोला हमने एक प्लेट तैयार करें, बेहतरीन सी भाई एक प्लेट लगाओ।
डाल दो। हाँ जल्दी ही आएगा। भाई एक नली निकलवा रहे भाई से। ये भाई हमारी नली आ गई है बड़ी सी। हमारी प्लेट तैयार होके आ गई है बेहतरीन भाई। तो अभी खाते हैं, चेक करते हैं कि क्या सीन है। जी वैद भाई, तो भाई आ गई है हमारी नली बिरयानी भी बनारस की। बड़ी मुश्किलों से इस तक पहुंचे हैं, तो अभी खाते हैं, चेक करते हैं भाई। ये बेहतरीन लास्ट टेस्ट है इसका, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यखनी का भी फ्लेवर आ रहा है। ऊपर से ये नली का भी टेस्ट है, और बीफ बिरयानी होती तो उसमें थोड़ा सा यखनी जैसा टेस्ट आ जाता है, लेकिन नो डाउट भाई एक लोकल स्ट्रीट फूड पे ऐसा टेस्ट मिल रहा है तो भाई बहुत बड़ी बात है, बेहतरीन है। आगे रखी है उन्होंने, बोला भाई ये भी खाएं, चेक करें। तो भाई जैसे ही टेस्ट माशाल्लाह, इनकी मोहब्बत भी बहुत आला है और बिरयानी का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। पाया बिरयानी भाई, बहुत क्लासी फ्लेवर आ रहा है मसाले के, कोई डिफरेंट मसाला है। बिरयानी का मसाला तो मुझे नहीं लग रहा, ये पुलाव कम मिक्स बिरयानी लग रही है, पुलाव मिक्स बिरयानी। ऊपर से ये नली का टेस्ट, हाँ हाँ बेहतरीन हो गया भाई।